ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े जायरो अस्पताल समूह के नवनिर्मित 1000 बिस्तर वाले अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर की उपलब्धता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऑर्थोपेडिक मरीज को उसके परिजन चादर में बिठाकर स्ट्रेचर के रूप में खींचते हुए नजर आए। खास बात यह कि बुजुर्ग को उसकी बहू अस्पताल लेकर आई थी और उसे स्ट्रेचर एवं अटेंडेंट नहीं मिलने पर चादर में अपने ससुर को खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बुजुर्ग का इको होना था। मूलतः भिंड के रहने वाले श्री कृष्ण ओझा वर्तमान में जनगंज इलाके के सूबे की कोर्ट में रहते हैं। साइकिल से गिरने के कारण उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था। शुक्रवार दोपहर को श्री कृष्ण ओझा की बहू उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद उनकी सलाह पर ईको कराने के लिए स्ट्रेचर की तलाश करती रही, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। तब महिला ने अपने पास मौजूद एक चादर को स्ट्रेचर बनाया और उसमें बुजुर्ग को बिठाकर खींचा। यह वीडियो शनिवार को जब वायरल हुआ तब जिम्मेदार अधिकारियों के कान खड़े हुए। आनन फानन में इस वीडियो को फैब्रिकेटेड बताकर अस्पताल को बदनाम करने की बात कही जा रही है। जयरोग अस्पताल के अधीक्षक एवं संयुक्त संचालक डॉक्टर आरकेएस धाकड़ ने कहा कि अस्पताल में 95 स्ट्रेचर उपलब्ध है। किसी भी मरीज को स्ट्रेचर के कारण परेशान नहीं होना पड़ता है। चिकित्सकों को भी स्पष्ट आदेश है कि यदि ऑर्थोपेडिक पेशेंट को कहीं जांच आदि कराने भेजना है तो उसके लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल में लाई जाए। 4 एम्बुलेंस भी अस्पताल में मौजूद हैं। अधीक्षक के मुताबिक शनिवार को भी 4 मरीजों को जांच के लिए एम्बुलेंस भेजा गया है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जाँच के आदेश दिए हैं। देखिए, रूटीन प्रोसेस है निरीक्षण करना। चूँकि ये मेरा खुद का विभाग है तो आज मैंने पूरा अपना यूनिट का राउंड लिया और उसमें जो भी निर्देश अपने अधीनस्थों को देने होते हैं वो दिए हैं। कल एक ऐसी कुछ खबर आई थी स्ट्रेचर वगैरह का, तो उसके बारे में भी पूरी जांच की है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, परंतु जहाँ भी कुछ कमियाँ पाई जाती हैं उनको ठीक करने के निर्देश भी देते हैं और यदि कोई दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। वीडियो वायरल लगातार हो रहा है महिला का, उसी विषय में हमने पता किया है, उनसे बात भी की है हमने और उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर चूँकि नर्स रहती है, डॉक्टर्स रहते हैं, तो हमने उनसे यही पूछा कि आपने किसी से बात करके, बोले नहीं साहब, मुझे जल्दी में जाँच कराने जाना था। ईको कराने के लिए बाकायदा 24/7 एम्बुलेंस रखी हुई है। कोई मरीज़ बड़ी जांच कराने जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस संचालित है। अभी 4 मरीज भेजे हैं, 4 एम्बुलेंस से गए हैं, परंतु हो सकता है कि कभी कुछ किसी से गलती हुई होगी। अगर हुई होगी तो उसके लिए मैं पूरी जांच करके और जो भी दोषी होगा उसको दंडित करूँगा। घटनाक्रम को कांग्रेस ने बेहद शर्मनाक बताया है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिर सिंधिया और उनके सहयोगी सिर्फ फीता काटने के लिए ही आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बेहद जरूरी स्वास्थ्य विभाग में उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। अस्पताल मरीजों की सुविधा के लिए बना था, लेकिन अब यही सुविधा नहीं मिलने से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ नए प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के लिए ही लाए जा रहे हैं, जनता से इनका सरोकार नहीं है। मामला है कि बिस्तर अस्पताल का जो महिला को चादर से खींचे स्टेशन ना होते हुए जो सरकार के दावे पूरे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, 1000 बिस्तर का जो अस्पताल था उसका बड़ा बढ़ चढ़ के उसका उद्घाटन हुआ, उसका इवेंट बना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ पर गए, वो इवेंट में शामिल हुए। सिंधिया जी अपने आप को बहुत बड़ा जनसेवक बताते हैं और जब ऐसी परिस्थिति है कि एक बहू जो है अपने ससुर को चादर में घसीट के ले जा रही है, स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं है, तो ये अस्पताल किसके लिए बनाया था? एक बड़े भ्रष्टाचार के लिए कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उसमें भ्रष्टाचार होगा, बंदर बांट होगी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यहाँ सिंधिया जी और इनके जितने भी यहाँ पे मैं तो कहूँगा शिष्य हैं वो भी समझ लें और जनता भी देख रही है कि आज जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आ रहे हैं। जन सेवा और जन सरोकार का कोई लेना देना नहीं है इनसे और धिक्कार है ऐसी ऐसी भारतीय जनता पार्टी को। क्या क्षेत्रीय ऊर्जा मंत्री भी कई दौरे करते हैं अस्पतालों के, हमारे को दिख नहीं रहा? देखिए, मैंने कहा ना कि जब उनके आका ही जो है वो टेलीविज़न की सरकार चलाते हैं सिंधिया जी, वो विज़न में उनका कोई विश्वास ही नहीं है, भाषण में विज़न है सिर्फ उनका, किसी प्रकार के जनसेवक नहीं है, वो स्वयं के हितों में लगे रहते हैं। और वहीं ऊर्जा मंत्री पुतुम सिंह तोमर ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, वे जांच के बाद इस मामले में कुछ कह सकते हैं। स्टेशन ना मिलने से चादर से खींच के ले जा रही है उस पर, वैसे एक मामला है, वीडियो वायरल। मैं अभी आप मेरे संज्ञान में लाए हो, मैं बात करूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उधर गजराज राजा मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर अक्षय निगम ने इस वीडियो की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर उपलब्ध होने के बावजूद यह ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर अस्पताल को बदनाम करने की नीयत से वीडियो बनवाया है, फिर भी उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
महिला स्ट्रेचर ले जा रही ससुर को, क्या स्ट्रेचर नहीं है, क्या स्टाफ की कमी? जो वीडियो वायरल हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की न घटनाएं ना, और जिनके संबंधित उनको सरकार नोटिस दूंगी। किंतु मैं बताना चाहता हूँ 95 स्ट्रेचर पूरे अस्पताल में आज भी उपलब्ध हैं। 10 स्ट्रेचर गेट पे उपलब्ध हैं, सभी विभागों में 5-5 हैं। जिस डॉक्टर ने भी भेजा है, जबकि एम्बुलेंस के लिए ऑर्डर निकल चुका है कि प्रत्येक मरीज एम्बुलेंस में शिफ्ट होगा। ये आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा बना फैब्रिकेटेड टाइप का वीडियो लग रहा है? फिर भी मैं उनको नोटिस जारी करूँगा, कोशिश करूँगा इस तरह का सुविधा किसी भी व्यक्ति में हो। स्ट्रेचर मेरे पास पूर्ण उपलब्ध है।